स्वागतम शुभ स्वागतम गुड मॉर्निंग नमस्ते अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर वर्षा पवार ह्यूमैनिटीज एंड अप्लाइड साइंस डिपार्टमेंट से यहाँ उपस्थित डायरेक्टर डीन्स प्रिंसिपल्स हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टीज एंड स्टाफ ऑफ AIKTC एंड ARKP और विद्यार्थियों का स्टार फेलिसिटेशन और मेगा करियर फेयर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। Dr. Zaheer Kazi is proudly a recipient this year and from now on will be addressed as Padma Shri Dr. Zaheer I. Kazi. I believe now very strongly these highest civil awards are given to probably deserving people. Assalamu alaikum. A very good morning to all of you. This campus comes under the banner of Anjuman-e-Islam, India's largest social, educational and charitable organization involved in the nation building since 1874. First of all, I congratulate you all. I think बहुत heavy audience है क्योंकि सारे toppers बैठे हैं यहाँ पे, तो कुछ लोगों को ऐसे भी परसेंटेज मिले हैं जिनके वजह से और दो स्टूडेंट्स भी पास हो सकते थे, बट कॉन्ग्रेचुलेशंस। यस, आई एम आर्किटेक्ट सिद्धेश कोयंबेकर। आई टीच हियर एट AIKTC स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड वी डिड अ लॉट ऑफ एक्सरसाइजेस व्हिच वी आर वेरी पैशनेट अबाउट डूइंग सच स्ट्रक्चर्स एंड वर्कशॉप्स एंड मेनी मोर थिंग्स व्हिच वी गेट टू नो इन फ्यूचर। जुमेन इस्लाम इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, हम वहाँ पे दो कोर्सेस रन करते हैं, एक डिप्लोमा का जो 10th के बाद आप कर सकते हो और एक डिग्री प्रोग्राम है बैचलर ऑफ साइंस इन हॉस्पिटैलिटी स्टडीज, तो वो 12th के बाद आप कर सकते हो। जैसे आप लोगों ने सिद्धेश सर के प्रेजेंटेशन पे ध्यान दिया होगा, तो उन्होंने बताया कि कॉलेज चूज करने के पहले आपने क्या देखना है, तो एफिलिएशन। यस, हम मुंबई यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, हम AICTE और MSBT से एफिलिएटेड है। कि लॉ एक ऐसी चीज है जो आपको दे ऑलवेज वेलकम यू विद ओपन आर्म्स। आप कहीं पे भी जाओ, अगर आपको ऐसा लगता है, किसी भी उम्र में अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे कानून जानना है और मुझे इस लाइन में कुछ करना है, तो यू कैन ऑलवेज कम एंड यू कैन टेक एडमिशन इन लॉ। दैट्स द ब्यूटी ऑफ लॉ। सब लोग ग्रेजुएशन तो कर लेते हैं कोई भी फील्ड में हो, मेन पर्पस ग्रेजुएशन का करने का वजह क्या है? सबसे पहले जॉब, मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ऑपरेशंस। मैं बेसिकली वहाँ पे ऑपरेशंस के सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। ये पांचों स्पेशलाइजेशंस हम देते हैं इसी कॉलेज में। डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, प्लीज वेलकम द ऑफिशियल्स ऑफ अंजुमन इस्लाम। वी हैव विद अस द सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अंजुमन इस्लाम मिस्टर मुश्ताक अंतुले सर, डॉक्टर अब्दुल्ला सर एंड द अदर बोर्ड मेंबर्स ऑफ अंजुमन इस्लाम। We welcome you all to this career guidance seminar. My dear students, you must have now, by now, understood as to what Anjuman is doing for the society. Anjuman Islam is an organization which is 150 years old, and I don't think there is any faculty which is left out as far as Anjuman Islam is concerned. It
thank you to the management of Anjuman Islam for taking this initiative to organize such a big event and getting everyone under one umbrella and helping us. A big congratulations to the passouts of 10th and 12th, hard work. Muhammad Haji Sabu Siddiq College of Engineering, which is located at Baikalla. And the beauty of that is, this college is, the DT code is EN3183, and the college is accredited by NAC. And very good news is that this college is also accredited by the highest authority of India, that is NBA, National Board of Accreditation. इसके बाद जो कोर्स है हम लोगों का, ये वो कोर्स है जो 10th फेल है, या किसी वजह से वो लोग अपनी स्टडी नहीं कर पाए, आगे फेल हो गए या किसी वजह से जॉब करना है, तो ये उनके लिए कोर्स है जो 10 मंथ का कोर्स है, जिसमें 10th फेल वाले बच्चे भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं. चेयरमैन होने के नाते फिर एक बार मैं आपका होस्ट हूँ, मुझे गेस्ट बना देते हैं हर बार. हाज़रीन जो हैं, मौजूद हैं, जो चले गए, उन सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं.